गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज आपको पढ़ाएंगे हम संस्कृत ग्रामर में प्रार्थना पत्र। हमारा आज का टॉपिक है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, मतलब छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अब छुट्टी के कारण कई हो सकते हैं, आप स्कूल से छुट्टी ले रहे हो उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आप बीमार हो तो आपको भी अवकाश लेना पड़ता है, या आपके घर में कोई जरूरी कार्य है तो आपको अवकाश लेना पड़ता है, आपको कहीं बाहर जाना है, गांव जाना है, कहीं और जाना है तो आपको अवकाश लेना पड़ता है ना। कि आपके भाई या बहन किसी की मैरिज हो, शादी हो, घर में कोई पारिवारिक फंक्शन हो तो भी आपको अवकाश लेना पड़ता है। तो अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र यहाँ पर हम पढ़ेंगे। प्रार्थना पत्र है हमारा, लेकिन यह है बीमारी पर, मतलब आप बीमार हो इसके लिए आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए, तो इसके लिए हम प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। ठीक है ना, जैसा हम हिंदी पढ़ते वैसे ही हम संस्कृत में। सबसे पहले सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। सेवायाम मतलब सेवा में, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इसको आप लिख रहे हो प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य अगर प्रधानाध्यापक लिख रहे हो तो आपका प्रधानाध्यापक आ जाएगा। रावत उच्च माध्यमिक विद्यालय, विद्यालय का नाम लिखना रावत उच्च माध्यमिक विद्यालय। और लास्ट में आएगा जयपुर, स्थान का नाम जो भी स्थान आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय रावत उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुरम। संस्कृत में सेवायाम, सेवा में को सेवायाम बोलते हैं, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। कहाँ पर विसर्ग है, रावत उच्च माध्यमिक विद्यालय और लास्ट में स्थान का नाम आएगा जयपुर। इसके बाद हमारा एक टॉपिक विषय, क्या प्रार्थना पत्र क्यों लिख रहे हो, आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए इसलिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। तो दिन वायस से अवकाश आता हूँ प्रार्थना पत्र, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। कितने दिन का अवकाश है, 2 दिन का। तो दिन वायस से अवकाश आता हूँ प्रार्थना पत्र, अगर आपको 3 दिन का अवकाश चाहिए तो दिन त्रयस्य आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, पर दिन त्रयस्य। तो हमें 2 दिन का चाहिए तो दिन द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। इतना क्लियर हुआ। अब आएगा महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदनम अस्ति। उपयुक्त विषय मतलब विषय लिख दिया कि हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए, उपयुक्त विषय निवेदनम अस्ति यद् अहं भवतां विद्यालयस्य अपनी कक्षाया छात्र अस्मि। मैं आपके विद्यालय की 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। अगर आप क्लास 7 में हो सप्तमी आएगा, अगर आप 8वीं क्लास में हो अष्टम आ जाएगा, और आप 6th क्लास में हो षष्ठम आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको जिस भी क्लास में हो उस क्लास को लिखना है। पर छात्र अस्मि छात्र हूँ, अद्य अहम ज्वरे पीड़ितो अस्मि, आज मैं ज्वर से पीड़ित हूँ, मतलब आज मुझे बहुत तेज बुखार है। ज्वर का मतलब है बुखार, आज मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं ज्वर से पीड़ित हूँ। अस्मात् कारणात् दिन द्वये यावत् विद्यालय आगंतुं न शक्नोमि, इस कारण से 2 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। आज मुझे बहुत तेज बुखार है, तो आज का अवकाश हो गया, कल का अवकाश हो गया, तो इस कारण से मैं 2 दिन तक नहीं आ सकता हूँ। अस्मात् कारणात् दिन द्वये यावत् विद्यालय आगंतुं न शक्नोमि, इस कारण से 2 दिन विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। क्लियर बता, क्लियर हो गया, पुनः देख लीजिए। सेवायाम सेवा में श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय नवोत्थ माध्यमिक विद्यालय, विद्यालय का नाम हो जाएगा जयपुरम। उसके बाद आएगा विषय, विषय टॉपिक जो भी हमारा है, दिन द्वैसे अवकाश आता प्रार्थना पत्र, 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद महोदय उपयुक्त विषय निवेदन अस्ति यत् अहं भवतां विद्यालय से सप्तमी कक्षाया छात्र अस्मि, उपयुक्त निवेदन है कि मैं अपने विद्यालय के कक्षा का छात्र हूँ, जिस भी क्लास आप पढ़ते उस क्लास का नाम लिख देना। अदय अहम ज्वर पीड़ित अस्मि, आज मैं ज्वर से पीड़ित हूँ, मतलब मुझे बुखार है। अस्मात् कारणात् दिन द्वये यावत् विद्यालय आगंतुं न शक्नोमि, इस कारण से 2 दिन तक विद्यालय में ही आ सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया, आप पता लिख लीजिए पहले, फिर हम आगे लिखेंगे। पहले आगंतुक में सकलों में इसे अत्यंत निवेदन अस्ति, इसलिए निवेदन है कि दिनांक लिखेंगे जिस दिन प्रार्थना पत्र लिख रहे उस दिन की, और उसके एक दिन बाद की दिनांक। मैंने यहाँ लिखी 25 और 26 तारीख, 25/7/2021 से लेकर 26/7/2021 पर्यंतम तक, पर्यंतम का अर्थ होता है तक, दिन द्वय से 2 दिन का
अवकाश अवकाश स्वीकृत स्वीकार करके माँ मुझे अनुप्रसंती कृपा करे श्रीमद श्रीमान कि आप गोविंद अवकाश स्वीकार करके मुझ पर कृपा करें श्रीमान की धन्यवाद धन्यवाद के ठीक नीचे लाइन में यहाँ पर आएगा बहुधा शिष्य इस तरफ आएगा यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा क्लास आ जाएगी और कक्षा वाली लाइन के सीधे आपको दिनांक लिखनी जिस दिन आप लिख रहे हो ठीक है रखना क्लियर हो गया दुआ देख लीजिए सेवायाम श्री मंदिर प्रधानाचार्य महोदय रावत माध्यम विद्यालय जयपुरम इसके अध्यक्ष आता है दिन द्वय से दिन त्रय से आपको अवकाश चाहिए तो दिन द्वय से अवकाश आता प्रार्थना पत्र महोदय उपयुक्त सर्वे निवेदन अस्ती यहाँ विद्यालय कक्षाया कक्षा उपयोग जिसको जब आप पढ़ते हो छात्र अस्मी अदय एम ग्वेन पीड़ित अस्मी मैं यहाँ पर छात्र लिखा है पुल्लिंग अगर आप इस लड़की हो छात्रा हो तो यहाँ पर छात्रा कर देना अदय ज्वरण पीड़ित अस्मी अस्मात कारण विद्यालय दिन द्वयत विद्यालय में सपनों में इस कारण से दोनों तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ ठीक है ना सर मेरा निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ आज मैं ज्वर से पीड़ित हूँ यानी मुझे बुखार है इस कारण से दोनों तक विद्यालय में ही आ सकता हूँ अतः निवेदन अस्सी इसलिए निवेदन है कि दिनांक 25 और 26 तिथि है तारीख आप अपने हिसाब से लिखोगे जिस दिन आप प्रार्थना पत्र लिखोगे उस दिन के उसी के बाद की तारीख आ जाएगी पर्यंतम दिन द्वय से अवकाशम दो दिन का अवकाश स्वीकृत स्वीकार करके उस पर कृपा करें श्रीमान उसके बाद आपको धन्यवाद लिखना है और धन्यवाद वाली लाइन को के नीचे उसी से जो है उसके नीचे वाली लाइन में नवदायकारी शिष्य उसके नीचे आपका नाम आएगा अगर आप छात्र हो तो शिष्य आएगा और अगर आप छात्रा हो तो शिष्य आ जाएगा क्या जाएगा बेटा शिष्य अगर छात्र है तो शिष्य और छात्र है तो शिष्य नीचे आपका नाम क्लास जो भी आपकी है 6, 7, 8, 9, 10 जो भी क्लास है क्लास और लास्ट में आपके दिनांक आएगा क्लास वाली लाइन सीध में दिनांक जिसमें आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो उसके सवाल प्रार्थना पत्र ही है ये आपको फिर अपने करना भी है और लर्न भी करना है याद भी करना है बेटा इसे और लिखना भी है तो आप इसे लिख लीजिए आज के लिए इतना ही काफी है थैंक यू।